नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस बार आरआरबी रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर्स के लिए अप्रॉक्स 14,000+ वैकेंसीज ओपन करी हैं, जो एक अपने में ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर बीटेक एंड डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बार भी जब 3-4 साल पहले वैकेंसीज आई थी तो लिमिटेड वैकेंसी 3-4 हज़ार, उसकी जस्ट 3 to 4 टाइम्स इस बार वैकेंसी आई है। तो उस वैकेंसीज में जो आपको पता ही है कि पिछली बार का पैटर्न था, इस बार बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हुआ है। पिछली बार जो पैटर्न आता था वो आपका एक ही एग्जाम होता था, उसी में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब ब्रांचेस को एक ही पेपर देना पड़ता था। पर इस बार जो पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन है। पर स्टेज 1 में इस बार क्या है कि पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट है, और स्टेज 2 में आपका 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट पर 100 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट है। और जो 100 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट है उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं निखिल गोयल, जो हमारे केडी कैंपस के एक सीनियर फैकल्टी हैं। आज वो हमें मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्टेज 2 की तैयारी है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, पहले था कि सब स्टूडेंट्स एक ही पेपर देना होता था, इस बार टेक्निकल पोर्शन अलग कर दिया है सेकंड स्टेज में, तो उससे जो क्वेश्चंस का लेवल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला देखो है? होगा क्या ना कि पहले क्या था ना कि वो लोग 15 नंबर या 20 नंबर का पूछ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं उसमें घुसाते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि जब वो लेवल उसका बढ़ाएंगे थोड़ा सा, उन्होंने कैलकुलेटर भी अलाउ किया है, लेकिन हाँ उनको एक लिमिट रखनी है। उन्होंने 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बोला है। यहाँ फर्क आएगा, जिसका मैकेनिकल स्ट्रांग है वो डेफिनेटली उसमें स्कोर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो टॉपिक्स इन्होंने अलग से इंक्लूड किए हैं, जो टॉपिक वैसे काम नहीं आते हैं। जैसे जब आरआरबी जेई की पोस्ट है, वहां पर मैक्सिमम जगह जो काम दिया है पोस्ट का वो दिया है प्रोडक्शन यूनिट्स में या वर्कशॉप यूनिट में, तो इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल को इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा दी है कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार पढ़ा है सही से तब आप मैकेनिकल उसमें स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे इसमें वर्चुअल कैलसी भी अलाउड किया हुआ है, तो मतलब इससे हम ये सोच सकते हैं कि थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन इस बार ये हाँ, अच्छा देंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे आरआरबी जेई है, ऐसे सिमिलर एग्जाम हमारे पास एसएससी जेई, लेकिन एसएससी जेई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। हाँ लेकिन आरआरबी जेई में कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहां होता है कि 40% अगर न्यूमेरिकल है 60% थ्योरी है, या उल्टा हो सकता है और या फिर ज्यादा भी हो सकता है। बट टाइम का कंस्ट्रेंट है तो एक लिमिट वो रखेंगे कि हाँ एक लिमिट तक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वहां पर। अच्छा सर, जैसे जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगी गई है, तो डिप्लोमा लेवल का ही सिलेबस है कि थोड़ा कुछ चीजें इन्होंने ऐड भी की है? नहीं, इन्होंने काफी चीजें ऐड की हैं। जैसे कुछ सिलेबस ऐसा है जो लोग बीटेक और ग्रेजुएट उसमें डिप्लोमा में पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें काफी और एग्जाम में कभी काम नहीं आती है। जैसे एक टॉपिक है कि फिनिशिंग है, एक है कि वेल्डिंग का इंस्पेक्शन है, और जैसे इंडस्ट्रियल है, जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं एई के, उनके अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अलग तरीके से पूछी जाती है। जेई में तो नहीं पूछी जाती है, एई में अलग तरीके से पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखा हुआ उन्होंने, उन्होंने ऑपरेशन रिसर्च को इंक्लूड ही नहीं किया है। सारा का सारा पार्ट वो है जो एक्चुअली में एक सुपरवाइजर या एक मैनेजर के काम में यूज आएगा, वो चीज उन्होंने इंक्लूड की इंडस्ट्रियल में। तो वो पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स को करना ही पड़ेगा अलग से, क्योंकि अगर ऐसा है कि बाकी सिलेबस कवर करा जा सकता है, बट 20-30% सिलेबस ऐसा है मैकेनिकल में जो कोई गाइड करे तब आप रिस्पॉन्सिबल उसको परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, और सर जो जैसे टॉपिक्स हैं डिप्लोमा लेवल, उनमें किस टॉपिक्स पे उन्होंने फोकस किया है ज़्यादा, किसका सिलेबस थोड़ा शॉर्ट किया, अगर हम एज कंपेयर टू एसएससी जेई का एग्ज़ाम माने, क्योंकि एसएससी जेई एक डिप्लोमा लेवल पे स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, उसको अगर हम स्टैंडर्ड लेके चलें तो उसके सिलेबस से कितना वेरिएशन आरआरबी ने इस बार किया है देखो एसएससी टॉपिक जेई वाइज अगर में, हम बात करें? जैसे एसएससी जेई में क्या होता है कि दो टॉपिक्स हैं जिनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एग्जाम में। एक है हमारे पास फ्लूड मैकेनिक्स मशीनरी और एक है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। बट इन्होंने क्या किया है, फ्लूड मैकेनिक्स मशीनरी और थर्मोडायनेमिक्स की वेटेज जो है वो बहुत कम रखी है, जबकि इनको काम है प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल की वेटेज ज्यादा रखी है। मतलब वहां ऐसा होता है कि 60% पेपर जो है वो इंडस्ट्री से आता है, थर्मो से और फ्लूड से, यहाँ इसका उल्टा होगा डेफिनेटली। तो यहां पर हमें प्रोडक्शन को ज्यादा फोकस देना है कंपैरिजन टू फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल क्योंकि रिलेटेड टू वर्कशॉप। रिलेटेड वर्कशॉप,
इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन को ज्यादा जोड़ दिया है। तो उसका क्वेश्चन मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ज्यादा बने। और प्रोडक्शन एकदम वाइड सब्जेक्ट है, वो एकदम पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बैठ के, जब जाके चांसेस होंगे कि आप वहां पर स्कोर कर सको। अच्छा, अब पहली बार हो रहा है तो एग्जाम एकदम अनप्रेडिक्टेबल होगा, बट पहली बार एग्जाम होने में फायदा भी ये होता है कि एग्जाम का लेवल वो लोग बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाते हैं। एग्जाम जब चेंज होता है नेक्स्ट, अब दोबारा होगा तब वो लेवल थोड़ा उठाएंगे। पहली बार अनप्रेडिक्टेबल है, जो आप पढ़ के जा रहे हो वो सबके लिए है चीजें। तो मैं सर, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा दे रखे तो एसएससी जेई लेवल तक के क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा ये लेवल बढ़ाएंगे, लेवल उससे ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। डिप्लोमा का बच्चा भी उसमें एंट्री कर रहा है डिप्लोमा के लिए, एक्चुअली डिप्लोमा के लिए ये बहुत अच्छा जॉब है। मतलब अगर किसी ने डिप्लोमा किया है और वो जेई की जॉब करना चाहता है तो ये जॉब के अंदर मनी भी ठीक होता है, सुपरविजन का काम होता है आपका, बहुत वैसा काम नहीं होता कि जहां पर आपको खुद ही फिजिकली वर्क करना पड़े। यहाँ पर काम वैसा होता है प्रोफाइल के अंदर जहां पर आपको इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि आप सुपरविजन आपके अंडर लोग काम करें, आपको मैनेज करनी है बस, आपको मैनेज करनी है चीजें। उसमें कुछ प्रोफाइल ऐसे भी हैं जहां पर आपका टेक्निकल एबिलिटी भी बहुत इंप्रूव होगा, जैसे जो डिजाइन और ड्राइंग के हैं, जितने भी R&D वाले हैं वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सारा का सारा जो है वो टेक्निकल बहुत इंप्रूव कर सकता है। और जो बाकी के प्रोफाइल हैं, चाहे वर्कशॉप के हो चाहे फील्ड के हो, उन प्रोफाइल में आपका सुपरविजन स्ट्रांग मतलब मैनेजर स्किल इंप्रूव हो रहा है, वहां पर टेक्निकल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है और मैनेजर स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंस में। सर, थोड़ा स्टूडेंट्स को दिक्कत है कि जो बहुत सारी इसमें वैरायटीज हैं जॉब की, प्रोफाइल की, तो कैसी जॉब कौन सी सही है, कौन सी फील्ड जॉब है, कौन सी ऑफिशियल जॉब है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें स्टूडेंट्स। मैंने ना जॉब प्रोफाइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया बेसिकली। एक प्रोफाइल ऐसा है जो ऑफिस जॉब है, जो बिल्कुल आपका 10 से 6 का जॉब है, वहां पर कोई शिफ्ट वाली ड्यूटी नहीं है। एक प्रोफाइल ऐसा है इसमें शिफ्ट वाली ड्यूटी है बट आपको जो प्रोडक्शन यूनिट है या वर्कशॉप है उसी के अंदर रहना है। और एक प्रोफाइल ऐसा मैंने डिवाइड किया है जिसमें आपको एक्चुअली में ट्रैक पे या फील्ड पे काम करना है। तो जो हमारा ऑफिस वाला है वो है हमारे पास डिजाइन एंड ड्राइंग वाला, जितना प्रोफाइल है R&D जहां पर भी लिखा है वो सारा प्रोफाइल ऐसा है जहां पर आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, ड्राइंग देना है आपको, डिजाइन बनाकर देना है उनको, और वो काम 10 से 6 का ही आपका प्रॉपर काम है। लेकिन जो 2 प्रोफाइल ऐसे हैं जहां पर आपको फील्ड का काम करना है, एक है ट्रैक मेंटेनेंस वाला और एक है TRS। इन दोनों में क्या है, ट्रैक मेंटेनेंस वाले में ट्रैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है ओपन लाइन के अंदर, और जो TRS है उसमें जो रेलवे वेगन होता है उसका ओपन लाइन है, मेंटेनेंस का है। ये 2 प्रोफाइल ऐसे हैं जो फील्ड प्रोफाइल हैं जिनमें एक्चुअली उन्हें बाहर जाके फील्ड पर काम करना है, और बाकी जितने भी प्रोफाइल हैं 8 या 9 प्रोफाइल वो सारे के सारे हैं प्रोडक्शन यूनिट के। तो उन्हें प्रोडक्शन यूनिट असाइन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी पोस्टिंग लखनऊ आती है तो जो DLW लखनऊ है मुझे वहां पोस्टिंग मिलेगी और मुझे वहां सुपरविजन करना होगा प्रोसेस। वो जॉब भी 10 to 6 वाली जॉब? हाँ, नहीं, वो जॉब जो है वो शिफ्ट वाली जॉब है। अच्छा, होगा 8 घंटे का जॉब बट शिफ्ट में होगा, 24 आवर्स कभी भी शिफ्ट हो सकती है आपकी। तो सबसे अच्छा प्रोफाइल मुझे जो लगा इसके अंदर वो लगा R&D। R&D में इंप्रूवमेंट भी है टेक्निकल का और जॉब भी एकदम फिक्स है, सीखने को काफी एक्सपोजर बहुत है आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। जो बाकी प्रोफाइल है वो सुपरविजन के जॉब है, क्योंकि जो रेलवे में जो सुपर जो जेई और सीनियर इंजीनियर होते हैं उनका प्रोफाइल होता है सुपरविजन का। तो उनको सुपरवाइज करना है कि टेक्नीशियन काम कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं कर रहे हैं, काम किस फॉर्म में होना है, वो काम देंगे कि हाँ ये काम इस फॉर्म में होगा। तो बाकी जो जॉब है वो उन सबके अंदर आपका है कि आपको सुपरविजन चेक करना है, टेक्निकल इतना इंप्रूवमेंट वहां नहीं है, लेकिन R&D वाले में टेक्निकल बहुत इंप्रूवमेंट है। तो पहला प्रेफरेंस रखना चाहिए लोगों को R&D की तरफ, फिर रखना चाहिए जो प्रोडक्शन यूनिट वाले हैं, और सबसे लास्ट में रखना चाहिए TRS को और ट्रैक मेंटेनेंस को, क्योंकि वो प्रोफाइल एक्चुअली में वो प्रोफाइल है जहां पर आपको बाहर निकल के टफ जॉब होगा ऐसा। अच्छा, तो सर जैसे अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे स्टेज वन है वो प्योरली नॉन टेक्निकल है, मैथ्स है इसमें, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस पे इन्होंने बहुत फोकस किया है। हाँ। 30 मार्क्स का सीधे जनरल साइंस दिया। चलिए ये एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है तो हम व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर द स्टेज 2, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि पहले स्टेज 1 क्लियर करेंगे, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 से 2 महीना मिलेगा स्टेज 2 के लिए, तो वो टाइम सफिशिएंट है इतना टेक्निकल सिलेबस करने के लिए? तो मतलब आप बताइए कि टेक्निकल जो स्टेज 2 है उसकी तैयारी बच्चा कब से स्टार्ट करे? तो टेक्निकल में ये इशू है कि टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जहां पर आप 1 महीना पढ़े और आपने निकाल लिया एग्जाम, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें काफी सारे एडेड भी हैं। तो क्या करना चाहिए एक्चुअली में कि तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए दोनों एग्जाम के लिए।
जो तैयारी कर रहा है उसे पता है कि मैं सीबीटी 1 भी निकालूंगा, मैं सीबीटी 2 भी निकालूंगा, उसे तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि 5-6 महीना ऐसा टाइम होता है जहां पर आप 4 महीने में सिलेबस भी खींच पाओ, उसके बाद आप 2 महीना वहां पर रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज, ये सब इंपॉर्टेंस है। अब जीएस वाले पार्ट में क्या होता है कि लोग पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उन्होंने किसी एग्जाम के लिए मैं जीएस प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने अगर उसको 2-3 बार रिविजन कर लिया है तो मैं एग्जाम में स्कोर कर सकता हूँ, बट टेक्निकल में चाहिए होती है प्रैक्टिस। पहला कि पहले आप गाइड करेगा आपको कोई, उसके बाद ये है कि आप उसको आराम से पढ़ोगे जाकर, फिर आप रिवाइज करोगे 2-3 बार, फिर आप टेस्ट दोगे, वो टाइम वो 1-1.5 महीने में नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना एग्जाम से 1 महीने पहले का, उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो जो एफिशिएंसी है ना वो थोड़ी रिड्यूस ही रहती है। ये टाइम सबसे अच्छा टाइम है दोनों की तैयारी करने के लिए, अपने दिन को डिवाइड करो, थोड़ा टाइम इसका थोड़ा टाइम उसका, और प्रॉपरली तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मतलब मिनिमम 4-5 महीना रिक्वायर्ड है इसका जो टेक्निकल सिलेबस, कि अभी से तैयारी हम स्टार्ट करें साथ में, जिससे क्या है कि आगे आपको ज़्यादा बहुत बर्डन ना हो। और सर थोड़ा दिक्कत स्टूडेंट को फेस होती है कि कौन सा जोन सेलेक्ट करें वैकेंसी से रिलेटेड, तो उन्हें इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अगर कहीं ज़्यादा पोस्ट भी हैं और कम भी हैं तो कितना वेरिएशन हम एक्सपेक्ट करते हैं? हो क्या रहा है कि वैकेंसी का ऐसा है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैकेंसी की लिस्ट है। अब कहीं पर ऐसा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, जैसे यूपी रीजन होता है, बिहार रीजन है, राजस्थान रीजन है, यहाँ स्टूडेंट ज्यादा है, कोलकाता, कहीं रीजन होता है कोलकाता है, कहीं रीजन ऐसा होता है कि जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, बट उस अकॉर्डिंग पोस्ट भी वेरी कर रही है। जो रीजन में ज्यादा होते हैं वहां काम भी ज्यादा है, वहां प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हो क्या रहा है ना कि हर कोई ये सोच रहा है कि मैं इलाहाबाद नहीं भरूंगा, अगर हर कोई मुंबई ही भरेगा तो फिर तो उधर भीड़ ज्यादा हो जाएगी। और अब ये क्या हो रहा है ना, जो हमारा सोशल नेटवर्किंग है उन्होंने दे रखा है कि आप ये भरो ये भरो ये भरो, अब वो प्रोफाइल अगर 70,000 या 80,000 लोग देख रहे हैं तो वो उसी को भरेंगे। तो ज्यादा बेटर है कि प्रोफाइल पे इस पे ध्यान ना देंगे कि कहां पर हमें भरना चाहिए, इस पे तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको तो एक सीट चाहिए ना, वेरिएशन जो है वो हार्डली 5-10 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा वेरिएशन एग्जाम जैसे हमने एएलपी में देखा, मतलब हमने जम्मू कश्मीर की देखी और कहीं जो मेन जहाँ अच्छी वैकेंसी थी तो हार्डली 10-12 नंबर का वेरिएशन, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और स्टूडेंट को कट ऑफ की तरफ नहीं सोचना चाहिए, सोचना चाहिए आराम से टॉप मारने की तरफ, तब जाके एक इतने फेयर नंबर आते हैं कि जो प्रोफाइल आप चाहते हो वो प्रोफाइल आपको मिले। इसमें भी ऐसा नहीं कि आपने जो भर दिया आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपके रैंक के हिसाब से नंबर के हिसाब से आरएनडी थोड़ा मुझे लगता है टॉप प्रायोरिटीज में रहती है, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे हमेशा आरआरबी के अंदर, हमेशा से कितने साल से एग्जाम हो रहा है, हमेशा से जो डिजाइन है उसको हमेशा टॉप प्रेफरेंस मिलती है, जिनके नंबर सबसे ज्यादा है मेरिट में वो है। अब सीबीटी 2 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसी के बेस से मेरिट बनेगी। और ये खाली स्क्रीनिंग पार्ट है, इसमें कट ऑफ आपको लानी है, उससे कोई मतलब नहीं आगे, तो मेन फोकस आपका स्टेज 2 ही होना चाहिए, स्टेज 2 होना चाहिए। और स्टेज 2 के लिए एक्चुअली में सही से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ना कि नंबर ऑफ पोस्ट अगर 14,000 है तो उसके 15 टाइम्स वो लेंगे, तो काफी सारे लोग ले रहे हैं। लेकिन जब सीबीटी 2 होगा उस टाइम तब आप सीबीटी 2 को क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब मेरिट में पहुंचना इंपॉर्टेंट है। जिसका टेक्निकली पार्ट स्ट्रांग होगा वो वहां पे लीड ले जाएगा, वो लीड ले जाएगा, जिसने प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल को इंपॉर्टेंस दी है, अच्छे से बैठ के पढ़ा है। अब उसमें सर कुछ पार्ट ऐसा जैसे वेल्डिंग इंस्पेक्शन है, वेल्डिंग इंस्पेक्शन लोग एमटेक में जाके पढ़ते हैं, वो भी उन्होंने काउंट किया हुआ है। अच्छा, उसके अगर 1-2 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए तो वो क्वेश्चन जो होते हैं ना छोटे छोटे वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ओके, क्योंकि डिप्लोमा लेवल तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंडस्ट्रियल पढ़ाया गया हो आपको। हाँ, इंडस्ट्रियल नहीं पढ़ा होता है उन्होंने, या जो आप बोल रहे हैं टॉपिक जो एमटेक लेवल के हैं, अगर उसके लिए अलग से उन्हें थोड़ा प्रिपरेशन अलग से थोड़ा अच्छे से करनी पड़े। हाँ। और सर जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं बीटेक या डिप्लोमा बैकग्राउंड के जो अपना सीजीएल बैंकिंग की तैयारी करके उनका नॉन टेक पार्ट स्ट्रांग है, तो उनके लिए क्या वो भी इसके लिए अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस अच्छा टाइम आपको मिल गया 5-6 महीने का और उसमें भी वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं? मैं इसमें कहूंगा कि ये तो एकदम फेयर चीज हो गई कि जो टेक्निकल की तैयारी कर रहा है उसका नॉन टेक थोड़ा वीक है, वो नॉन टेक पे ध्यान लगाएगा सीबीटी 1 की तरफ, सीबीटी 1 जो नॉन टेक है उसकी तरफ। लेकिन जो सीजीएल बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनका नॉन टेक स्ट्रांग है, वो टेक्निकल पे ध्यान लगाएंगे, अगर वो टेक्निकल पे फोकस करते हैं तो 4-5 महीना सफिशियंट है इस टाइप के, क्योंकि आपने अगर 4 साल या 3 साल आपने अगर वही चीज पढ़ी है तो आपको अगर 4-5 महीना वो चीज रिवाइज करा दी जाए बार बार तो फिर आप उसको डेफिनेटली कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि सर अगर इसकी हमने प्रिपरेशन कर ली तो हमारे जेई लेवल के जितने भी एग्जाम है उनको हम क्रैक करने की स्थिति में भी हैं। हाँ। क्योंकि एसएससी जेई मुझे लगता है कि जो पेपर होगा वो भी मई जून तक टल सकता है, तो एक सेम लेवल पे ये एग्जाम होंगे। एग्जाम में लेवल सेम होगा, बस एक डिफरेंस आएगा कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे ये फोकस रखना चाहिए कि मैं आरआरबी जेई को भी साथ में लेकर चलूं, मैं एसएससी जेई को भी साथ में लेकर चलूं। क्यों होगा क्या, अगर आपने ये 2 पेपर कंबाइन कर रहे हैं अभी
तो एक पेपर ने किसी सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, एक ने दूसरे को दिया, अगर कंबाइन करें हैं तो दोनों एग्जाम में क्या जितने डीएमआरसी एग्जाम होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, सब जगह अच्छा स्कोर, क्योंकि नॉन टेक आपका वहां भी रीजनिंग जीएस एसएससी जेई में भी आपका अच्छा। लेकिन जो लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे आर्मी के लिए भी एक्स्ट्रा कैसे भी। अच्छा तो दोस्तों ये तो बात थी स्टेज टू का जो आपका ब्रीफ में हमने आपको बताया। इसके बाद हम जल्दी लॉन्च करेंगे वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे डिटेल में जो सिलेबस है, ओनली वो वीडियो फोकस रहेगी सिलेबस पे, जो मेन पॉइंट थे सिलेबस के सर ने आपके साथ डिस्कस किए। एक और वीडियो हम लॉन्च करेंगे जिसमें हम आपको टोटली सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ केली कैंपस की तरफ से जो नए स्टार्ट बैच हो रहे हैं वो इस स्लाइड में आपको दिखेंगे, जिसमें स्टेज टू वन अलग है, स्टेज टू की कोचिंग बिल्कुल आपको सेपरेट कराई जाएगी। तो आप ऐसे बैच की टाइमिंग डिसाइड की गई है जिसमें आप स्टेज वन और स्टेज टू दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे सिलेबस के डिटेल सिलेबस के साथ।